अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज को लेकर अब समय कम बचा है। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन के काम तेजी से चल रहे हैं। मेकर्स ने पहले ही फिल्म के दो गानों पुष्पा पुष्पा और अंगारों को रिलीज किया है, जिन्हें दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। अब फिल्म के तीसरे गाने के आने की खबर फैंस के लिए उत्साह बढ़ा रही है। फिल्म पुष्पा 2 को पहले 15 अगस्त 2024 को रिलीज करने का प्लान था, लेकिन काम पूरा न होने के कारण इसे 6 दिसंबर 2024 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। अब फिल्म की तैयारी अंतिम चरण में है और मेकर्स इसे बड़े पैमाने पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। फिल्म को लेकर फैंस के बीच पहले से ही माहौल सेट है। मेकर्स अब फिल्म के प्रमोशन को और बढ़ावा देना चाहते हैं। पहले रिलीज किए गए दो गानों को शानदार रिस्पॉन्स मिला था, जिससे फिल्म के प्रति दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुष्पा 2 के तीसरे गाने की घोषणा जल्द ही होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह गाना एक रोमांटिक ट्रैक होगा, जिसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी को एक बार फिर देखा जा सकेगा। फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार इसे बड़े स्तर पर तैयार कर रहे हैं और इस वक्त कुछ जरूरी सीक्वेंस की शूटिंग बाकी है। देवी प्रसाद द्वारा कंपोज किए गए गानों को काफी पसंद किया जा रहा है और तीसरे गाने के रिलीज को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। फिल्म के पहले गाने पुष्पा पुष्पा को 78 मिलियन और दूसरे गाने अंगारों को 90 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। तीसरे गाने को लेकर भी दर्शकों में उत्सुकता है, क्योंकि यह भी एक रोमांटिक ट्रैक हो सकता है जो अल्लू अर्जुन और श्री वल्ली की जोड़ी को फिर से दिखाएगा। 6 दिसंबर को पुष्पा 2 के साथ विकी कौशल की फिल्म छावा भी रिलीज हो रही है। इस टक्कर को लेकर अभी तक किसी फिल्म के आगे बढ़ने की बात नहीं आई है, जिससे दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर नुकसान हो सकता है। फैंस भी सब्री से पुष्पा 2 के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं, जो अब तक रिलीज नहीं हुआ है। इसके साथ ही फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, जो दोनों फिल्मों में है, फिलहाल अपनी अगली फिल्म सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त है।